नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। जिनकी रंगों में खून की जगह राजनीति बहती है, उनके लिए सत्ता प्राप्त करना बहुत कठिन काम नहीं होता। जिनका जन्म राजनीतिक परिवार में हो, जिनका लालन पालन राजनेताओं के हाथों से हो, जिनके घर परिवार का हर सदस्य विधायक सांसद रह चुके हों, वह लोग राजनीति के वैज्ञानिक ही कहे जा सकते हैं। परिवार में राजनीतिक कलह के कारण अपने अलग रास्ते पर निकले दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ले चुके हैं। उम्र कम, मिलनसार और बात करने के लहजे से युवाओं की पहली पसंद बनकर उन घाघ नेताओं को करारा जवाब दिया जिन्होंने इनके द्वारा संगठित जननायक जनता पार्टी को बच्चा पार्टी कहकर मजाक उड़ाया था और यहाँ तक कि उन्हें गप्पू और ना जाने क्या कुछ कहा था। 3 अप्रैल 1988 को जन्मे 31 वर्षीय दुष्यंत चौटाला अमेरिका की कैलिफोर्निया से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में लॉ में स्नातकोत्तर की डिग्री लेकर पास आउट हैं। दुष्यंत चौटाला ने 26 वर्ष की आयु में राजनीति में कदम रखते ही सबसे कम उम्र का सांसद होने का लेकर अपना नाम लिम्का बुक में दर्ज करवा लिया था। 16वीं लोकसभा में हिसार निर्वाचन क्षेत्र से राजनीति के धुरंधर योद्धा कुलदीप बिश्नोई को बुरी तरह से हराया था। विधानसभा चुनावों में 10 सीटों पर जीत के साथ दुष्यंत हरियाणा की जाट राजनीति के नए कदावर नेता बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री का पद ठुकराने वाले चौधरी देवीलाल के पड़पोते दुष्यंत ने यह साबित किया है कि उनमें न केवल हरियाणा की राजनीति की अच्छी समझ है बल्कि वह एक दूरदृष्टि भी रखते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस को बहुमत मिला, लेकिन 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत बनाने के लिए सत्ता की चाबी जेजेपी के हाथ ही मिली। अब दुष्यंत अकेले अपने परदादा चौधरी देवीलाल के ऐसे वंशज बनने जा रहे हैं जो हाल फिलहाल सत्ता का हिस्सा बने हैं। हरियाणा में चौटाला परिवार का सम्मान आज भी केवल चौधरी देवीलाल के कारण ही है। अब चौधरी देवीलाल के नाम की भावना को लोगों के दिलों में जिंदा रखने का काम केवल दुष्यंत चौटाला ही कर सकते हैं। हरियाणा के लोग उनको इसी नजरिए से देखते हैं। इनका विपक्ष में होना या सरकार में जाने का निर्णय यह तो भविष्य तय करेगा सही था या गलत था, परंतु जिस मैनिफेस्टो के आधारभूत दुष्यंत ने चुनाव लड़ा और वह उस मैनिफेस्टो को सत्ता में रहकर लागू करवा पाए तो उसके लिए हरियाणा की राजनीति में इनका उज्ज्वल भविष्य नजर आ रहा है। हमेशा युवा, किसान, बुजुर्गों का सम्मान, खेत खलिहान की बातें करने वाले दुष्यंत सत्ता का हिसाब बन चुके हैं। चुनाव से पहले दमदार प्रचार, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, हर एक आधे घंटे में लाइव आकर बात करना दुष्यंत के लिए बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग कर गया। सोशल मीडिया पर दुष्यंत हिट रहे, 8 लाख से लगभग अधिक उनके फॉलोअर्स दुष्यंत चौटाला के फेसबुक पर फॉलो करते हैं। राजनीति में पढ़े लिखे और होनार नेताओं का होना अत्यंत आवश्यक है। युवाओं के चहेते और अपने विधानसभा क्षेत्र से बड़ी जीत हासिल कर डिप्टी सीएम बने दुष्यंत चौटाला अब हरियाणा की राजनीति में क्या बदलाव और अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं यह देखने वाली बात होगी।